मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने दोनों ने यूज़ किया, तो उससे हम दोनों का ही वेट लॉस भी हुआ है हमारा। और दूसरा मेरे को मतलब पैरों में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे जैसे पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, वो स्वेलिंग खत्म हो गई। ओमेगा 3 भी लेते हो? नहीं, मैंने ओमेगा 3 अभी तक नहीं ली है, एक टैबलेट भी नहीं ली है मैंने, लेकिन मेरे सिर्फ ये शेक से ही मुझे इतना फर्क पड़ा है कि मेरे को जो स्वेलिंग आती थी वो स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। और पैरों में ऐसे रहता था कि जैसे लेटती भी थी तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं बेड पे मारती रहूँ मैं पैरों को, वो चीज़ खत्म हो गई है बिल्कुल। मेरे को पता भी नहीं चलता कि पैरों में कभी दर्द भी हुआ था कभी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे ऐसे दर्द रहता था। और सेम मेरी सिस्टर इन लॉ की कंडीशन थी, उसके भी पैरों में उसकी हड्डी एक पैर की बढ़ भी गई थी, तो डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई है आपसे चला नहीं जाएगा ये वो, लेकिन उसको जब से ले रही है उसको वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, आराम से वॉक करती है, सारा काम कर लेती है। और बोलती है मेरे को तो टाइटनेस तो होती नहीं है, कहाँ टाइटनेस मुझे नहीं पता, नहीं तो जरा सा इधर से एक ग्लास पानी भी लिया तो वो थक जाती थी कि मैं थक गई हूँ मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन अब वो कहती है मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, मुझे यही नहीं पता चलता कि थकावट है। काफ़ी फर्क पड़ा इससे वेलनेस लेने से, तो मुझे भी और मेरी सिस्टर इन लॉ को भी, हमें तो बहुत फर्क है। इवन उसको इसकी थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, वो भी उसको अभी एक ही मंथ हो गया, एक मंथ से ही हम लोगों को। मेरा तो 2010 में चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद सारे ज्वाइंट्स में अभी तक बोन्स में नहीं, उसको भी यही प्रॉब्लम थी।